हाय एवरीवन, मैं हूं सवालम एंड यू आर वाचिंग टीसी टेक। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल इस टाइप के बो या BY-M1 माइक को हम लोग स्पीकर में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे लाउड स्पीकर में माइक होता है, मतलब सेम टाइम पे बोलते हैं, सेम टाइम पे आवाज आता है। नॉर्मली ये वाला जो बो या BY-M1 माइक है, कॉलर माइक है, लेवलियर माइक है, इसको हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, उसमें ऑडियो के लिए यूज करते हैं, या फिर नॉर्मल वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ पार्टी वगैरह होता है या कोई इवेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पे हमें माइक की ज़रूरत होती है कि उसी टाइम पे हम लोग सेम टाइम पे बोलें तो सेम टाइम पे लोगों को सुनाई दे। इस टाइप के माइक में नॉर्मली क्या होता है कि रिकॉर्ड होता है वॉइस, और बाद में आप उसको सुन सकते हैं, बाद में प्लेबैक कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि सेम टाइम पे आवाज़ आए, जब मैं बोलूँ तो सेम टाइम पे स्पीकर से आवाज़ आए। तो वो कैसे कर सकते हैं, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो वह जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो है बोया का माइक BY-M1, या फिर कोई और भी माइक आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास फ़िलहाल बोया है, तो मैं बोया में बता रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा चाहिए आपके पास कोई स्पीकर जिसमें ऑडियो इनपुट या ऑक्स इन का पोर्ट हो। जैसे ये मेरे पास स्पीकर है, ये तो काफ़ी बड़ा सा स्पीकर है, बट आपके पास कोई भी स्पीकर हो सकता है जिसमें आपको इनपुट का मिले। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्स इनपुट का यहाँ पे पोर्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली अपने माइक का जो इनपुट है वो डालना है। तो मैं माइक को खोल लेता हूँ, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ऑक्स इन में मैंने इसको डाल दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका माइक जो बोया के माइक में होता है, ये एक स्लाइडर, इसको आपको कैमरा वाले पे कर देना है, ठीक है। कैमरा वाले पे कर देना है इसको स्लाइड करके। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे स्मार्टफोन होगा और ऊपर कैमरा होगा, तो इस तरह से स्लाइड करके ऊपर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना माइक जो है, मतलब स्पीकर जो है, अपना इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट कर देना है, या बैटरी वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसका स्विच ऑन कर देना है स्पीकर का। तो यहाँ पे स्विच है, इसको ऑन कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये माइक जो है काम करने लगा है, और मैं माइक में कुछ बोलता हूँ तो आप जो है सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं माइक से आवाज़ आ रहा है। और जैसे ही मैं स्पीकर के आसपास इस माइक को ले जाऊंगा तो यहाँ पे एक अजीब सा आवाज़, ये आप देख सकते हैं माइक काम कर रहा है प्रॉपरली अभी, क्योंकि माइक और स्पीकर दोनों आसपास है, इसलिए थोड़ा सा नॉइज हो रहा है। जैसे इसके पास ले जाता हूँ तो ये एक टाइप का नॉइज होता है, लेकिन जब आप दूर से अच्छे से बोलेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आवाज में आपको सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है माइक में जो भी चाहें वो बोल सकते हैं, और सेम टाइम पे आपका जो है आवाज आएगा, आवाज रिकॉर्ड होगा। तो ये तरीका था जिससे आप माइक को यूज कर सकते हैं सेम टाइम पे, मतलब अपना स्पीकर में, और उससे आप बोल सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, पार्टी है, तो उसमें ये माइक को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। तो गाइस, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपके पास ब्लूटूथ वाला स्पीकर है और आप चाहते हैं उसमें बोया का माइक यूज़ करना, BY-M1 ये लेवलियर माइक, तो उस या कोई भी माइक, तो उसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ब्लूटूथ वाले स्पीकर में, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस पर ले आऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।